हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कैसे इस स्केच में शेडिंग करनी है। सलमान खान वाले स्केच में ये आउटलाइन अभी तक जो मैंने ड्रॉ की है, इसका ट्यूटोरियल मैंने अलग से बनाया था। वो इस ट्यूटोरियल का पार्ट वन था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप पार्ट वन देख लेना जिन्होंने नहीं देखा है। तो इस सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे शेडिंग के बारे में, इस स्केच में कैसे शेडिंग करनी है, और साथ ही साथ ये मल्टीपल फायदे देगा आपको ये ट्यूटोरियल, क्योंकि इससे सिर्फ इस स्केच की शेडिंग के बारे में तो पता चलेगा ही, लेकिन साथ ही साथ आपको पता चलेगा कि रियलिस्टिक बियर्ड कैसे बनाते हैं, रियलिस्टिक हेयर कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये फोटो मैंने इसलिए चूज़ की थी क्योंकि इसमें बियर्ड और हेयर काफ़ी अच्छे थे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से मैं रियलिस्टिक हेयर और बियर्ड बनाता हूँ। बाकी शेडिंग बीच बीच में थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड भी रहेगी, तो चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, और पार्ट वन जरूर देख लेना जिन्होंने अभी तक आउटलाइन का नहीं देखा था। सो इस तरह की पेंसिल्स यूज करने वालों में ग्रेफाइट पेंसिल डिफरेंट ग्रेड्स की, HB, 2B, 4B, 6B वगैरह, और इरेजर सही होगा हमें। मेरे पास इस तरह का नेडेबल इरेजर है, आप कोई भी सिंपल इरेजर भी यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गॉगल से, उसके लिए यूज़ करनी है हमें 4B पेंसिल। सबसे पहले जो गॉगल का फ्रेम है वो काफ़ी डार्क सा है, जैसे आप रेफरेंस फोटो में देख सकते हो, तो यहाँ पे मैं 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। आप भी 4B पेंसिल से पहले इसकी एक डार्क आउटलाइन बना लेना, गॉगल की अच्छे से आउटलाइन बनाना। पहले आउटलाइन रफ बनाई थी जो हमने लाइट वाली बनाई थी, अब डार्क पेंसिल से इसको अच्छे से आउटलाइन ड्रॉ करनी है पूरी शेप इसकी, और अंदर फ्रेम में ऐसे इस तरह से डार्क शेडिंग करनी है 4B पेंसिल से। 4B इसलिए यूज़ की क्योंकि 4B से डार्क पेंसिल हम बीच में यूज़ करेंगे ग्लासेस में। 6B पेंसिल है ये, 4B से डार्क होती है जो, तो 6B पेंसिल को यूज़ करना है अब यहाँ पे ग्लासेस में डार्क शेडिंग करने के लिए। जैसे रेफरेंस फोटो में आप देख सकते हो डार्केस्ट एरिया जो है इसके गॉगल के ग्लासेस में, तो वहाँ पर मैं 6B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। तो इस तरह से बिल्कुल अच्छे से डार्क कर देना यहाँ पे। अब लेनी है 4B पेंसिल जो कि 6B से लाइट होती है, तो 4B को हम 6B वाली शेड के थोड़ा सा नीचे करेंगे ताकि वो डार्क टू लाइट का ट्रांजिशन जो हमें क्रिएट करने में अच्छे से हो सके। उसके बाद हम HB पेंसिल लेंगे और जो बचा हुआ एरिया वहां पे हम लाइट शेडिंग कर देंगे HB से। इसके बाद हमें इस सबको ब्लेंड करना है अच्छे से। आप ब्लेंडिंग के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आप कॉटन यूज़ करो, टिश्यू पेपर यूज़ कर लो, फिंगर से मत करना। मेरे पास ब्लेंडिंग स्टंप है, अगर आपके पास भी है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कॉटन बड का भी आप यूज़ कर सकते हो इस तरह से ब्लेंड करने के लिए। ब्लेंड करने के बाद क्या करना, हमें एक बार फिर से 4B पेंसिल लेनी है जो कि हमने बीच में यूज़ की थी 6B और HB के बीच में, तो वहाँ पर फिर से एक बार शेड करके उसको ब्लेंड कर देना। अब सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड पे रिपीट करना है, जैसे पहले 4B से आउटलाइन बनाई थी वैसे ही दोबारा आप दूसरी साइड पे 4B से आउटलाइन बना के और फ्रेम के बाहर वाले बॉर्डर में हम 4B से शेडिंग करेंगे डार्क शेडिंग, सेम जैसे पहले किया बिल्कुल वैसे रिपीट करना है। 4B से आउटलाइन बना के इसमें शेडिंग करनी है डार्क, और उसके बाद बीच में डार्क शेडिंग होगी 6B से, फिर उसके बाद वैसे ही 4B उसके बाद, और जो लाइटेस्ट एरिया होगा वहाँ पर HB यूज़ करनी है, फिर उसको ब्लेंड कर देना है। फ्रेम का ये वाला पार्ट बनाने के लिए बिल्कुल शार्प पेंसिल यूज़ करना, HB पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल शार्प करके यूज़ करना क्योंकि पतला सा बनाना है ये। यहाँ साइड पे भी HB पेंसिल से लाइट सी शेडिंग कर देना। अब हमें यूज़ करनी है 2B पेंसिल क्योंकि वो 4B से लाइट होगी, तो हमें आईब्रोज ड्रॉ करने हैं, और वो जैसे आप देख सकते हो रेफरेंस फोटो में गॉगल से थोड़े से लाइट है, तो इसलिए हम 2B पेंसिल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रखना कि पेंसिल बिल्कुल शार्प हो एकदम, क्योंकि आईब्रोज काफ़ी छोटे छोटे बनाने हैं, तो जिस तरह से रेफरेंस फोटो में शेप बनी आईब्रोज की उस तरह से देख के बस बना लो जैसे मैं बना रहा हूँ, लेकिन पूरे आईब्रोज में 2B पेंसिल ही यूज़ होगी और शार्प करके यूज़ करना। गॉगल्स की शेडो जो थोड़ी सी दिख रही है रेफरेंस फोटो में वो हम बना रहे हैं अब, तो इसके लिए भी 2B पेंसिल का ही यूज़ करना है। तो इस तरह से फोटो में जैसे दिख रहा है उस तरह से शेडो की शेप बना देना और उसमें हल्के से शेडिंग कर देना।
हल्के मतलब हल्का प्रेशर अप्लाई करके शेडिंग करनी है। शेडिंग होनी थोड़ी डार्क ही सही है, जैसे मैं कर रहा हूँ। अब हम नोज़ ड्रॉ करेंगे, और सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स ड्रॉ करने के लिए चाहिए हमें 4B पेंसिल। तो इस तरह से नॉस्ट्रिल्स ड्रॉ करने हैं। आउटलाइन तो हम पहले से बना चुके हैं, अब रेफरेंस फोटो में देख के जितनी हमें शेडिंग करनी है उस तरह से शेडिंग करेंगे, लेकिन डार्क एरिया के लिए 4B पेंसिल यूज़ कर रहे हैं हम। बस ध्यान रखना है कि जैसे रेफरेंस फोटो में बना है बिल्कुल उस तरह से हमें शेड करना है। अगर थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो फिर वो फोटो पूरी तरह से मैच नहीं हो पाती है। और यहाँ पे शेडिंग करने के लिए 2B पेंसिल यूज़ करनी है, यहाँ पे भी। ये सारी शेडिंग हम 2B पेंसिल से करेंगे। अब इसके बाद यूज़ करनी है HB पेंसिल, ये वाली। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे शेडो दिख रही है, गॉगल की थोड़ी सी शेडो है कर्व शेप में, तो ये हमें HB पेंसिल से करनी है। यहाँ पे भी HB पेंसिल यूज़ करनी है, यहाँ भी HB। तो यहाँ पे हम HB इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जहाँ पहले 2B और 4B यूज़ की थी उससे तो थोड़ी लाइट शेडिंग है यहाँ पे, लेकिन सबसे लाइट नहीं है। अभी हम HB से भी लाइट पेंसिल यूज़ करेंगे नोज़ में शेडिंग करने के लिए। तो मेरे पास है 2H पेंसिल, अगर आपके पास 2H है या उससे भी लाइट है तो आप वो यूज़ करना शेडिंग के लिए। अब यहाँ पे बाकी नोज़ में शेडिंग करने के लिए हम 2H पेंसिल यूज़ करेंगे। बीच में आप देख सकते हो थोड़ी सी वाइट स्पेस है, बीच थोड़ी सी हाईलाइट है, तो वो आप ब्लैंक छोड़ देना। और 2H से भी शेडिंग कंप्लीट हो जाने के बाद इसको अच्छे से ब्लेंड करना है। जो भी हमने HB, 2B, 2H जिससे भी हमने नोज़ की शेप में शेडिंग किया है उस सारे को अच्छे से ब्लेंड करना है, लेकिन बीच में जो वाइट स्पेस छोड़ी थी उसका ध्यान रखना। अगर वो फिर भी आपकी ब्लेंड हो जाती है, गलती से कवर हो जाती है, तो उसको इरेजर से हम इरेज करके लाइट कर देंगे। अब ड्रॉ करने हैं लिप्स, और सबसे पहले 4B पेंसिल का यूज़ करके लिप्स में बीच में जो हमें डार्क एरियाज़ क्रिएट करने हैं उसके लिए हम 4B पेंसिल यूज़ करेंगे। तो जिस तरह से हमने आउटलाइन बनाई थी उसी में शेडिंग करेंगे बीच में। रेफरेंस फोटो का ध्यान रखना, जैसे जैसे शेप बनी है शेडिंग की उसी तरह से आपको शेड करना है। और डार्केस्ट एरिया के लिए 4B पेंसिल यूज़ करनी है इसमें, माउथ के लिए। उसके बाद 2B पेंसिल का यूज़ करके लिप्स की डिटेलिंग करनी है। जैसे जैसे अपर लिप में थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग हुई हुई है, लोअर लिप में थोड़ी सी डिटेलिंग हुई है, वो हमें 2B पेंसिल से करनी है, और फिर उसको ब्लेंड कर देना है। जहां पे थोड़ी सी लाइट शेडिंग होगी लिप्स में वहां HB का भी यूज कर सकते हैं। अब ड्रॉ करना है हमें मूछों को, और ये चीज़ आपको सही तरह सीखनी है। इसके लिए मैं आपको एक टिप्स दूंगा कि जैसे बियर्ड और मूछें ज़्यादा छोटी छोटी हैं तो हमें शार्प पेंसिल यूज़ करनी है, बिल्कुल शार्प। और 4B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ मैं, 4B ही यूज़ करना आप भी मूछें ड्रॉ करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना कि बिल्कुल शार्प पेंसिल हो, जैसे मैंने रखी है। जैसे ही आपको लगे कि आपकी पेंसिल की शार्पनेस कम हो गई है उसी टाइम दोबारा शार्प करना है, लेकिन कम शार्प पेंसिल से मत ड्रॉ करना। और मूछें मैं जिस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल छोटे 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 स्ट्रोक्स कर रहा हूँ, तो आप भी उसी तरह से करना, क्योंकि आप देख सकते हो फोटो में भी कि मूछें बिल्कुल छोटी छोटी हैं। तो इसलिए जिस तरह से हैं फोटो में बिल्कुल उस तरह से बनाने के लिए एकदम शॉर्ट शॉर्ट स्ट्रोक्स हमें बनाने हैं। अब 2B पेंसिल का यूज़ करके हमें नोज़ के नीचे जो शेडो बनी हुई है वो ड्रॉ करनी है यहाँ पे। तो हल्के हाथों से शेडिंग करनी है नोज़ के नीचे जो शेडो बनी हुई है उसमें। थोड़ा
थोड़ा सा आप ब्लेंड भी कर सकते हो मूँछों को, लेकिन ध्यान रखना कि ये मूँछों में ब्लेंडिंग बहुत हल्के हाथों से करनी होती है, बहुत ज़्यादा एकदम हल्का सा बस टच सा करना होता है ब्लेंडिंग स्टम्प या कॉटन बर्ड को। इसके बाद 2B पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पे हमें शेडिंग करनी है लोअर लिप के नीचे। उसके बाद फिर से शार्प 4B पेंसिल का यूज़ करके जिस तरह से हमने मूछें ड्रॉ की थी उसी तरह से यहाँ पे ड्रॉ करना है। बाकी बियर्ड हम बाद में बनाएंगे, पहले हम पूरे फेस में शेडिंग करेंगे और उसके लिए हमें यूज़ करनी है 2H पेंसिल। आप HB भी यूज़ कर सकते हो लेकिन HB से लाइट मैं रिकमेंड करूँगा, तो मैं 2H यूज़ कर रहा हूँ। सो 2H पेंसिल से पूरे फेस में एक बेस लेयर हमें दे देनी है और उसको फिर अच्छे से ब्लेंड कर देना। पूरे फेस में देखना कि 2H से ही शेड हो और इवनली शेड करना, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करो कहीं पे कम प्रेशर अप्लाई करो, जितना भी अप्लाई करोगे पूरे में सेम रखना पूरे फेस में और उसको अच्छे से फिर ब्लेंड करना है। इसके बाद हमें यूज़ करनी है HB पेंसिल और जहाँ पे भी बेस लेयर से थोड़ी सी डार्क शेडिंग होगी वहाँ पे हम इस HB पेंसिल से शेडिंग करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो गॉगल के नीचे थोड़ी सी शेडो है, वहाँ पे हमें HB पेंसिल यूज़ करनी है और जहाँ जहाँ फेस में थोड़ी सी बेस लेयर से डार्क शेडिंग होगी वहाँ पर हमें इस HB पेंसिल का यूज़ करना है। तो आप देखो जैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ उस तरह से करनी है आपको। जिनको ऐसे फास्ट फॉरवर्ड में समझ नहीं आ रहा होगा कि इस तरह से फेस में स्मूथ शेडिंग कैसे करते हैं ब्लेंडिंग कैसे करते हैं, तो उनके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि मैंने अलग से ट्यूटोरियल बनाया था एक फेस में शेडिंग करने का, रियलिस्टिक शेडिंग करने का, ब्लेंडिंग करने का, तो वो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर लूँगा, वो भी आप देख सकते हो अगर आपको ब्लेंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है फास्ट फॉरवर्ड में समझने में। अब हम 6B पेंसिल से हेयर ड्रॉ करेंगे, लेकिन ध्यान रखना जिस डायरेक्शन में हेयर की स्ट्रोक्स है, जैसे साइड पे इस तरह से है और ऊपर जिस तरह से है, तो उसी तरह से हमें स्ट्रोक्स बनाने हैं, लेकिन 6B पेंसिल यूज़ करना और बिल्कुल शार्प पेंसिल यूज़ करना। सो रेफरेंस फोटो में जिस तरह से मैं देख पा रहा हूँ उसी तरह से मैं शेडिंग कर रहा हूँ, उसी तरह से मैं स्ट्रोक्स बना रहा हूँ उसी डायरेक्शन में, और आपको भी यही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। जिसको हेयर ड्रॉ करने में प्रॉब्लम आएगी वो हेयर के भी मेरे ट्यूटोरियल देख लेना, मैंने हेयर ड्रॉ करने की रियल टाइम वीडियो भी अपलोड की थी 30-40 मिनट्स की, तो उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगा। तो जिन जिन को पर्टिकुलरली अलग अलग चीज़ों के ट्यूटोरियल्स चाहिए वो वाली वीडियोज़ देख लेना मेरी, बाकी इससे अगर आपको समझ आ जाए तो काफ़ी अच्छी बात है। बीच में जैसे हम देख पा रहे हैं लाइट हेयर हैं थोड़े से, तो वहाँ हम HB पेंसिल यूज़ करेंगे। बस HB पेंसिल से बीच में थोड़ी सी रैंडम शेडिंग कर देनी है और उसके बाद उसके ऊपर दोबारा हम 6B पेंसिल का यूज़ करके स्ट्रोक्स उसी तरह से बनाएंगे जिस तरह से फोटो में है, जिस डायरेक्शन में। हेयर ड्रॉ करना काफ़ी लोगों को मुश्किल लगता है, बट अगर आप मेरी ये टिप्स फॉलो करोगे जो मैंने आपको बताई इसमें, कि उसी डायरेक्शन में आपको स्ट्रोक्स बनाती है जिस डायरेक्शन में फोटो में हो, और पेंसिल को शार्प करके यूज़ करना होता है, बीच में जहाँ पे लाइट हेयर हो वहाँ पे लाइट पेंसिल यूज़ करनी होती है, तो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा। और मेरे ट्यूटोरियल्स भी आप देख लेना हेयर के लिए, मैंने 3-4 अलग से ट्यूटोरियल्स बनाए हुए हैं। और एक चीज़, जिनके पास अभी इस टाइम लॉकडाउन के टाइम में 6B पेंसिल 4B पेंसिल वगैरह नहीं होंगी, उनको फिर जो भी एक पेंसिल होगी जिससे ड्रॉ कर रहे हो तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करके डार्क शेडिंग करनी पड़ेगी बालों में, तो फिलहाल आप वैसे भी कर सकते हो, जो जिन उनके लिए बोल रहा हूँ मैं जिनके पास डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल नहीं है। बाकी जिनके पास हैं डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल वो अच्छे से जिन ग्रेड्स को जहाँ पे यूज़ करना होता है वैसे ही यूज़ करना जैसे मैंने बताया।
बालों की शेप थोड़ी सी मैंने ठीक कर ली थी, जैसा कि आप देख सकते हो, थोड़ा सा बड़ा कर लिया था ऊपर से इसको, वो एक्चुअली वीडियो कट होगी पता नहीं कैसे। तो अब हमें बियर्ड ड्रॉ करनी है, जिस तरह से मूछें ड्रॉ की थी उसी तरह से 4B पेंसिल लेके, शार्प 4B पेंसिल लेनी है हमें। और फोटो में आप देख सकते हो जिस डायरेक्शन में बियर्ड के हेयर हैं उसी तरह से हमें शेडिंग करनी है। मैं आपको भी दिखाता हूँ, तो उसी तरह से आपको शेडिंग करनी है जिस डायरेक्शन में हेयर है। इस चीज़ का खास ध्यान रखना और पेंसिल बार बार शार्प कर लेना। छोटी बियर्ड ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है, सो हमें खास ध्यान रखना पड़ता है किस डायरेक्शन में हमें शेड करनी है और कितने छोटे छोटे स्ट्रोक्स हमें ड्रॉ करने हैं। पूरी की पूरी बियर्ड में सिर्फ 4B पेंसिल ही यूज़ होगी। अब ईयर ड्रॉ करने के लिए HB पेंसिल यूज़ करनी है, तो HB पेंसिल से हम पूरे ईयर में शेडिंग कर देंगे जिस तरह से फोटो में हुई हुई है, उस तरह से हमें शेड करना है। HB पेंसिल से शेडिंग हो जाने के बाद उसको ब्लेंड कर देंगे एक बार, और जहाँ थोड़ा सा बीच में जो डार्क एरिया दिख रहा है वहाँ पे 4B पेंसिल यूज़ करनी है। पूरी नेक में एक बेस शेडिंग कर देंगे हम पहले, और उसके लिए भी हम उसी पेंसिल का यूज़ करेंगे जो हमने स्किन के लिए यूज़ की थी। तो हमने 2H यूज़ की थी, तो हम नेक के लिए भी बेस शेडिंग 2H से करेंगे, और जो ऊपर फिर थोड़ी सी डार्क शेडिंग करनी है वो 4B से करेंगे। कपड़ों में शेडिंग करना बहुत आसान है, डार्केस्ट एरिया में 6B पेंसिल को अच्छे से प्रेशर अप्लाई करके बिल्कुल डार्क शेडिंग करनी है। 6B से डार्क अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सो कपड़ों में तो बहुत आसान था शेडिंग करना। आई होप आप इस ट्यूटोरियल के दोनों पार्ट्स को अच्छे से फॉलो करके ये स्केच ड्रॉ कर पाओगे। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट्स में बताना आपको कैसा लगा और किसके स्केच के ट्यूटोरियल सही है, और जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं ऐसे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स आपके लेके आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।